जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है, और रेशनल एक्सप्रेशन वो भी प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है? नीचे देखिए, 2+1 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है, ऊपर 1 डिग्री पॉलिनॉमियल है। इसका मतलब कि अब हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। एक और ऑब्जर्वेशन आपके लिए है कि जो लीनियर फैक्टर x माइनस वन है, रिपीटेड है ना, और रिपीटेड लीनियर फैक्टर का हम लोग कैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन, वो आपको जो आपके मेंटर हैं, सर हैं, वो आपको बताए होंगे। खैर नहीं भी बताए होंगे तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, उसे दो बार लिखना पड़ता है, एक्स माइनस वन और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। अगर क्यूब होता तो सी बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब तक जाते हैं हम लोग। खैर, प्लस सी अपॉन क्या हो जाता है आपका, एक्स प्लस टू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। एक बार ए बी सी आपका आ गया तो इंटीग्रेट करना आसान है। इस ये सब कॉन्स्टेंट आएंगे, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन आ जाएगा, इसका लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू हो जाएगा, सी जो भी हो, है ना, सी हम लोग अभी तो निकालेंगे, और इसका आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से कर लोगे तो इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। जो मेहनत होने वाली है आपको, वो पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालने में होने वाली है, उसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। चलिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपका, एक्स इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन कटेगी एक ब्रैकेट बच जाएगी, तो एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम्स, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई, एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट बचेगी, एंड सी टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब दैट एक्सप्रेशन ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब एक्स। क्या किया जाए, हमारा काम बन जाए, एक्स की वैल्यू वन प्लेस कर देंगे तो ये टर्म अब्सेंट हो जाएगा और ये टर्म अब्सेंट हो जाएगा ना, दोनों जीरो हो जाएंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू प्लेस कर देते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म जीरो हो जाएगा, सी आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू वन, तो वी गेट वन इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका थ्री बी, और सी भी जीरो हो गया, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री आ गई। चलिए एक निकल गया कांस्टेंट। अब कोई और हम लोग कह रहे थे क्या वैल्यू पुट करें, माइनस टू, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, व्हाट्स वी गेट, माइनस टू इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, वैसे भी नहीं लिखेंगे, ये भी जीरो होगा तो इसको भी नहीं लिखेंगे, वो क्या हो गया, माइनस टू और माइनस वन, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन, मतलब नाइन सी, तो सी कितना आ गया आपका, माइनस टू बाई नाइन हो गया। अब रही बात ए निकालने की, इकलौता ए बचा, क्या किया जाए, यहाँ तो फंस गए हम लोग, तो कुछ भी रख दें, एक्स की वैल्यू जीरो रख दें चलेगा, ए बी सी आएंगे दो तो पता ही है हमें, है ना, तो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इधर आ जाएगा आपका जीरो इक्वल्स टू जीरो और जीरो, तो माइनस वन और टू, तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस टू ए, यहाँ पे प्लस टू बी, और वहाँ पे जीरो रखेंगे आप तो सी आ जाएगा प्लस का, है ना। अब देखिए बी सी तो पहले ही आ चुका है, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो टू ए इक्वल्स टू, दैट इम्प्लाई टू ए इक्वल्स टू टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी, और बी आपका क्या है, बी आपका है वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री प्लस सी की वैल्यू आपकी माइनस टू बाई नाइन है, तो माइनस टू बाई नाइन कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे यहाँ पे नाइन, तो ये हो जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स माइनस टू, तो सिक्स माइनस टू माइनस प्लस का फोर हो जाएगा, ये टू ए है, तो ए क्या आ जाएगा आपका टू बाई नाइन, तो यहाँ से आपका आ गया ए की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख दे रहे हैं टू बाई नाइन, ठीक है। तो जो टाइम लगना है आपको बस यही लगना था, बाकी टाइम आपका नहीं लगना है, तो आप नीचे प्रोसीड करिएगा, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, है ना, तो ए की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी टू बाई नाइन, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, दैट इज़ वन बाई थ्री, और सी की वैल्यू हमारी आ गई थी दैट इज़ माइनस टू बाई नाइन, तो माइनस यहाँ कर देते हैं टू बाई नाइन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब ये हुआ, इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका लीनियर ऑपरेटर है, जैसे डिफ्रेंसिएशन होता है, डी एक्स टू बाई नाइन बाहर आ जाएगा,
ये पहले ही हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे, और प्लस 1/3 भी बाहर ले लेते हैं और यहाँ भी 2/9 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल अब फॉर्मूला प्लेस करना है तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2/9 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप करोगे तो 1 - 1/3 1/x - 1 आएगा, और इसका करेंगे आप तो ये -2/9 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज देखिए, इस वाले टर्म को कंबाइन कर सकते हो, 2/9 कॉमन कर लीजिए, इससे क्या बचेगा आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस वो बचेगा, और लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, तो अपॉन एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और -1/3 एक्स माइनस 1 और प्लस